के लिए ना मुझे एक इंटरव्यू देना है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे लिए। इसको ना मैंने घर से बाहर निकाल रखा है, कह रहा है मेरी चाय नहीं बनाई है। भाई नितिन जी ना बड़े सस्पेंस क्रिएट कर रहे, क्या हो गया। Hey guys, welcome back to my another video. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। अभी बज रहे रात के 9 और रात के 9 बजे मुझे एक के लिए ना मुझे एक इंटरव्यू देना है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मुझे न्यूज़पेपर में देनी है, क्योंकि कल ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके कल भेज दूँ। सो दैट मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ रात को और अभी भेज देती हूँ। और मुझे उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। देखो भाई, आज तक मेरी फैमिली में कभी ऐसा हुआ नहीं है जैसा मेरे साथ हो रहा है, तो थैंक यू सो। तो भाई 9:30 बज गए और अब जाके फ्री हुई हूँ मैं ना, एक 1.5 घंटा लग गया मुझे वो वीडियो बनाने में और भेजने में, फिर चेक करवाने में, है ना, लग जाता है क्योंकि पहली बार ऐसे इंटरव्यू की कोई वीडियो बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि सुबह से थके हुए और अब सोएंगे, और ये दोनों बच्चे यहाँ आ गए हैं, अब बस मस्त सोना है। ठीक है, सोए ना, वॉशरूम होया, ठीक है। कुकु, हाँ कुकु, वॉशरूम जाना है, वॉशरूम। फिर नहीं आई, ओ भाई नहीं आई मम्मी, नहीं आई। ये क्रॉक्स पहन के कहाँ जा रहा है? टॉयलेट करने जा रहा है। तो भाई ना मैं अभी अभी घर आई हूँ और टाइम हो गया 3:30। घर आते ही जो मुझे खुशखबरी मिली है, चिमनी लग गई और जो एक बॉक्स पेंडिंग चल रहा था ना वो भी लग रहा है, मतलब कि काम पूरा होने ही वाला है, हो ही गया। आप लोगों को किचन टूर दूंगी, है ना। यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं गरम गरम, और यहाँ एक और व्लॉग देख रहे हैं, और व्लॉग पे जैसे ही ऐड आती है ना, पापा मुझे बोलते हैं अरे एक और ऐड आ गई। मम्मी बोलती है एक और ऐड आ गई। खुश हो जाते हैं हम एड्स वगैरह देख के। पापा आए हैं और जा रहे हैं। क्यों आए थे? पापा का फोन खो गया है ना, पापा नया फोन लेने आए हैं। देखो भाई, चाय पी जाओ। अरे पी जाओ ना, गाड़ी कहाँ खड़ी है? क्लॉपिंग, नो लाइट ऑन कराया। ओए होए 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 भाई, मेरा पुत्र ना अभी अभी सो के उठा है, और ये ना हमने छोटी लाइट चला दी है अभी, है ना, इसलिए आपको थोड़ी सी रोशनी इस टाइप की दिख रही होगी, और बड़ी लाइट ये रही ऊपर। अब मैं उठूंगी और जलाऊंगी, मुझे भी नहीं पता मेरी शक्ल कैसी आ रही होगी व्लॉग में ना, कुछ ज़्यादा खराब आ रही है क्या। बस अब खड़े होते हैं और लाइट ऑन करते हैं। भाई आज जो जबरदस्त नींद आई है ना, जबरदस्त, भविष्य सो रहा था, भविष्य के साथ मैं भी घुंड करके सो गई। तो भाई आज ना 5:00 और मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी धूप निकल रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन ठंडी ठंडी ना, आप लोग देख सकते हो, और सब बच्चे ना बाहर खेल रहे हैं। इसको ना मैंने घर से बाहर निकाल रखा है, स्कूल से आते ही बाहर आवारागर्दी कर रहा था जिस टाइम पर मैं सो रही थी। कोई किसी को नहीं बुलाता, अपना दिमाग भी होता है, एवरी टाइम रोता रहता है लड़का। मैं तो बहुत परेशान हो गई उस लड़के को ना, हॉस्टल फेंकेंगे हम तो। यहाँ आ चुकी है शाम की चाय, और यहाँ पे आप इस बच्चे को देख ही सकते हो, और इसका काम भी आप जानते हो, जब भी मेरी चाय बनती है अपना बिस्किट का पैकेट ले आता है, आधी चाय मेरी ये पी जाता है, जिस वजह से 30% बचती है जो गिनी चुनी मैं बिस्किट बुड़ बो के मैं पीती हूँ। पहले ही खड़ा रहेगा, इसकी गंदी आदत यही है, जहाँ मैं बैठूंगी ना वहीं आके रोएगा। इसको गाइस मेन दुख है ना, बस यही है कि मम्मी पापा सब चाय पी रहे हैं, मेरी चाय नहीं बनाई है। सीधा करो। इसको मेन दुख यही है कि सब तो चाय पी रहे हैं और मेरी ठुकाई हुई है कि मेरी चाय नहीं बनाई, मेन दुख बस इसको यही है, और कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है मेरी चाय नहीं बनाई है। इसको देखो, चल भाई तू रोता ना, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है तेरी आदत। थोड़ी देर बाद खुद ही चुप हो जाऊंगा, आई एम बंद कर दे तू। मार ले चाय, इसको बस यही था कि मेरी चाय नहीं बनी है, खुद चाय पी रही है मम्मी बस,
इधर आ, सारे बिस्किट उड़ा गया गाइस, एक भी नहीं छोड़ के गया, एक भी खाली पन्नी छोड़ गया, सारे बिस्किट उड़ गया। दे नीचे बह गया। वाली नमकीन लेके आई हूँ क्योंकि बिस्किट तो इस लड़के ने सारे उड़ा उड़ा के फेंक दिए और मेरे लिए कुछ नहीं बचा था, तो मैंने ना कल नितिन जी से बोला था मेरे लिए नमकीन लेना, इसलिए मैंने नमकीन को ना भैया इस बड़ी वाली अलमारी के अंदर छुपा रहा है, नहीं तो मेरे लिए ये भी नहीं बचता। ये देखो आ गया, ये छोड़ो इसको छोड़ो, अरे छोड़, अरे छोड़ भविष्य। अच्छा मैं खिला दूंगी खिला दूंगी खिला दूंगी, भूखे खिला दूंगी, छोड़ दे। ना खानी नहीं होती, ये ना बिखेरने पे ज्यादा ध्यान देता है। मम्मी ने ना इतने सारे कपड़े धोए हैं और यहाँ पे टीवी चल रही है और टीवी में मेरा व्लॉग चल रहा है, तो मैं ना टीवी देखते देखते अपने सारे कपड़े समेट दूंगी मस्त, है ना, जिससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और कपड़े भी समेट जाएंगे। किसके शूज डाले हैं? देख मजाल, ओह हाथ और पीछे खड़े रख के चल रहा है लड़का। दादी को भी पढ़ाई नहीं आती। वाह वेल डन वेल डन वेल डन। फोर नंबर आया है, इलेवन है, इलेवन नहीं है। देखो गाइस आप देखो, फोर नंबर नहीं दिख रहा अलमारियों में, मम्मी पापा गुड़ क्यों दिया है? गलती से दे दिया होगा, फोर नंबर लाने की चीज होती है। मैम से पूछो बताओ फोर नंबर लेके आया। अच्छा ये देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। भाग्य आपने ना बिल्कुल, अरे यार एग्जाम सुन तो रहे नहीं हो, देखो वन टू थ्री फोर। बच्चे को बैठ, हाय चार नंबर को ग्यारह बोल रही हो? बस मेरी स्कूल बस, मेरी स्कूल बस। क्या हो गया? अरे ओहो अपनी गाड़ी की डिग्गी खोल के उसके अंदर सेल रख रहा है लड़का। अरे भाई, अरे भाई बबुआ मुझे पता था क्या रही है, ठीक है पागल मत समझा, भगवान आपके देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े, बहुत सारे कपड़े मैंने ना समेट दिए हैं। ये तेरे कैशियो के लेके घूम रहा है, ले ले इससे। भाई मैंने ना भविष्य के लिए खिचड़ी बनाई है रात के डिनर में, तो ये बैठ गया और ये बैठ गया। हाँ बंद कर दो इसको, बंद काली मिर्च और डालोगे? चलो कर दे बंद। सुनो कर देते, ये देखो सा पराठा खाओगे जो मैं खिलाऊंगी तुम्हें, चलो आओ बाहर आ जाओ। इनको ये खाते नहीं है, हमेशा नॉर्मल खाते हैं। बच्चे को हर चीज को देखने में फील करने में मजा आता है कि मैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, बड़ा होकर समझ में आता है वही तो करने वाली थी मैं। और ये देखो ये छोटी सी बस है इसकी, और नितिन ने ना बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, क्या हो गया क्या हुआ क्या? देखा रतन टाटा को, टाटा की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है रे बाबा।
छदार पराठा। अरे भाई गाड़ी पैरों से चलाने लग गया लड़का, इसको तो आती नहीं थी। कल का व्लॉग जरूर देखना। और भाई जिसको नहीं पता, भाई सेल मुंह में लगा के चार्ज हो रहा है ये तो। सुबह 9 बजे आपके पास जैसे सेल मुंह में लगाता ना वहां के चार्ज हो रहा है ये। कैसा लगा? अच्छा बना है, मजा आ गया। सोचो अगर तुम इसको नींबू के चार के साथ खाओ तो है ना, मजा आ जाएगा ना। ले आ थोड़ा, लो काली मिर्च। भाई आज एक्सपेरिमेंट वाला पराठा खिलाऊंगी मैं, आज कह रही हूँ इनको एक्सपेरिमेंट करके एक मस्त जबरदस्त पराठा खिलाऊंगी। आंटी अंकल कहाँ गए? और कैसा होता है पराठा? अरे बहुत टेस्टी बनेगा, उसमें से आलू आलू भर के बनाऊंगी। मम्मी देगी अपनी किचन का टूर, सुंदर से तैयार होके और मम्मी देगी अपनी किचन का टूर। हाँ कल के ब्लॉग जरूर देख भाई, वो तो है ही लेजेंड है ना। के 10 बजे रतन एडिटिंग के लिए बस बैठी थी। तुम इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए खास पराठा बना के लाती हूँ। के लिए मस्त पराठा बनाती हूँ लेकिन दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि किचन का टूर आपको कल देखने को मिलेगा। कल का ब्लॉग बिल्कुल स्किप मत करना। आपने भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करी ना तो कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से बस यही है कि जब भी मैं ब्लॉग डालूंगी आपके पास पहुंच जाता है।